चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग सम। डॉक्टर अजय जलवान सर, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय सर, आइए सर आइए। थैंक यू सर। देखिए मैं सभी साथी जो सुमन सज में आज भाग ले रहे हैं उसके सबको एक विनम्र अभिनंदन करता हूं और सबका धन्यवाद करता हूं कि सब लोग अपना समय दे रहे हैं और एक इकट्ठा होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये कोशिश क्यों कर रहे हैं इसके ऊपर एक थोड़ा सा विचार रखने की बात है कि हम लोग सब अपने में सक्षम हैं, सब बढ़िया हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, पर असल में जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, जहां हमें समाज और जो जो स्थितियां हो रही हैं इस वक्त, सब कुछ बिक रहा है हिंदुस्तान जो भारत के अंदर है, तो कोई हमारे हाथ में कुछ कुछ नहीं रह पा रहा। ये तो एक देश के लेवल की बात है। फिर दूसरी, हम जो अपने घर परिवार हैं, उस घर परिवार में सब बटे हुए हैं, अपने गांव में सब बटे हुए हैं, हमारी आवाज उसकी कोई महत्ता नहीं रह जा रही है। तो ये अगर आप देखें तो हम धीरे धीरे अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, अपने भविष्य को नष्ट कर रहे हैं और अपनी जो है आने वाले जो बच्चे हैं उनके सब जो है भविष्य को नष्ट कर रहे हैं। देखिए संसार में जो हमारे पास सब कुछ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक दुकान है छोटी सी, ये दुकान देखिए, ये अमेरिका में दुकान है, ठीक है ना। ये इस चीज के ऊपर हम हमारा हक है, हमारे समाज का हक है, पर वो हक आप तभी मान सकते हैं जब आप इकट्ठा होकर रह सकते हैं, जब आप समाज को एक लाइन में और एक विचार से इकट्ठा कर सकते हैं। नहीं तो हम सब धीरे धीरे बट जाएंगे और यहाँ पे इस दुनिया में नौकरों की तरह, जैसे जो है आगे हांडी और पीछे जो है झाड़ू लेके हम यहाँ पे सड़कों पे घूमते रहेंगे। दो रास्ते हैं हम सबके पास, या तो हम जो है राज करें, या फिर हम जैसे सेवा कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, वो उस तरह सेवा करें। तो ये सिर्फ हमारे ऊपर है कि हम किस रास्ते के ऊपर जाना चाहते हैं। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखिए ये एक मौका है, ये इस वक्त हमारे पास एक मौका है, वो मौका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें एक संविधान लिख के दिया है। वो मौका अगर हम गवा देंगे तो वो हम अपने बच्चों के लिए वापस, जो एक दो जनरेशन ही हुई है हमारी, एक दो जनरेशन से पहले हम लोग रास्ते में निकल नहीं सकते थे, हम लोग कुछ कर नहीं पाते थे, पर वो संविधान ने जो मौका दिया है उसको हम हाथ से ना गवाएं। हमें अब एक राजा बनने का मौका मिला है, चाहे किसी से भी पूछ लीजिए, जो एक दो जनरेशन पहले हम खेतों में काम करते थे, हम गाय भैंस डंगर और सिर्फ इतना ही काम करते थे। मैं खुद जो है गांव से निकला हुआ हूँ और मैंने वो सब समय देखा है, हम सब लोगों ने गरीबी देखी है, पर उसका समाधान बाबा भीमराव अम्बेडकर हमें देके गए हैं, एक संविधान देके गए हैं। हमारे इतने बड़े बड़े महापुरुष रहे हैं
रविदास जी, गुरु नानक देव जी, गुरु जो है अपने बुद्ध, हर एक ने हमें सिर्फ एक ही मंत्र दिया है, वो मंत्र है इकट्ठा होने का। अब उस वो छोटी सी बात है पर बहुत मुश्किल है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ हर जगह से, पर उस मंत्र को समझ में नहीं आता लोगों को कि भाई आप इकट्ठा हो जाओ, आपकी सब समस्याओं का समाधान मिलेगा। हम यहाँ पे अब कुछ भी लेना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, अगर हमारे साथ लोग नहीं है, हमारे साथ विचारधारा नहीं है, तो हम अकेले अकेले छोटे छोटे भागों में बटे रहेंगे, कुछ कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये एक सम्मन संघ है, यहाँ मैं पिछले 8-9 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, और जो है कि इससे बढ़िया मंच, इससे बढ़िया जो है विचारधारा मैंने ना कभी देखी है ना कभी सुनी है। इसमें आपको, आपके पास से कोई पैसा नहीं मांग रहा, इसमें आपको कोई छोटा नहीं बना रहा, कोई आपको धिक्कारेगा नहीं, यहाँ पे आपको कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज खोनी है, बस हर चीज प्राप्त करनी है। देखिए अंग्रेजी में जो है जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, आप जितने भी जैसे लोग तरक्की कर रहे हैं, यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं नेटवर्किंग, तो इससे बढ़िया नेटवर्किंग कुछ नहीं है। जो नेटवर्किंग है वो हमारी है, शुरू से हम संघ में रहते थे, संघ बेसिकली नेटवर्किंग है, तो उस नेटवर्किंग को अगर हम समझ जाएं, तो देखिए यहाँ पे हर चीज हमारे हाथ में है, हर चीज हमारी गिरफ्त में है, आप जिस चीज को हाथ लगाएंगे वो चीज आपकी है, बस विचार विचार से मन से ये सोचना है कि हाँ हम संग होके रहें, साथ होके रहें। बाकी जो है आप छोटे छोटे हिस्सों में बटे रहें, चाहे उसे जातियां कह लो, चाहे उसे अलग अलग संगठन कह लो, चाहे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज कह लो, पर वो सब जो है आपको तोड़ रही हैं। ठीक है आपने पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, ठीक है आपने कोई अपना छोटा समूह समुदाय बनाना है, ठीक है, पर आप सब समुदायों को इकट्ठा करो। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी पार्टी का या किसी समुदाय का, ठीक है जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम उनको मना नहीं कर रहे, पर देखिए वो सारे छोटे छोटे हिस्से बना के, छोटी छोटी पार्टी बना के, कोई ये पार्टी कोई वो पार्टी को बना के, हमारे समाज में बहुत कम ताकत है, बहुत कम पैसा है और बहुत कम हिम्मत है। अगर उसको भी आप बांट देंगे तो आप जो हैं, हम लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा, हम वापस उसी जो है नरक में चले जाएंगे जिस नरक में हमें धकेला गया है। तो ये एक सम्मन संघ है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं खोना है, हमेशा सिर्फ प्राप्त करना है। मैं जब से जुड़ा हूं यहाँ पे, लोगों से जानकारी बढ़ी है, लोगों से मेरा जो है संपर्क बढ़ा है, जो चीजें मुझे नहीं मिल पाई थी वो मुझे मिल रही है। अब मैं अमेरिका में हूँ, पर यहाँ पे अलग अलग जो है स्टेट्स, अलग अलग देशों में अब मैं लोगों को जान पा रहा हूँ। अब कभी भी कहीं भी मैं कुछ करना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ, मुझे अपने आप में एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है कि हाँ मैं एक समाज का हिस्सा हूँ, एक लोग मेरे साथ हैं, मुझे अकेले कहीं भी जो है धुतकारा नहीं जाएगा। वकील हो, वकील मेरे पास हैं, डॉक्टर हो, डॉक्टर मेरे पास हैं, इंजीनियर हो, इंजीनियर मेरे पास हैं, तो इसमें हम क्या खोते हैं, क्यों नहीं हम जुड़ पाते। ये एक जो है
बहुत छोटी सी बात है। अब समय लोग कभी मंदिर में गुजारते हैं, कभी कहीं पे चंदा देने में गुजारते हैं, वहां पे हम सब लोग अपने अपनी हानि करते हैं। अपना समाज को जो है छोटा बहुत रिसोर्स है वो दे के कहते हैं हमारे सर पे ही डंडा मारो। तो भाइयों आप और बहनों सभी से ये विनम्र मेरी विनती है कि इस संघ को समझो, साथ में इकट्ठे हो, अंग्रेजी में बोले तो नेटवर्किंग करो, और जो है जो चीज प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त करो, अपनी तरफ से मेहनत जो है मेहनत करते रहो, पर इस संघ में लोगों को जोड़ो। जब आप किसी और की मदद करोगे तो आप किसी और की नहीं अपनी मदद कर रहे हो। तो इसके अंदर आपने ना पैसा देना है, ना आपको कोई कोई खर्चा होना है, ना कोई आपसे कोई चीज लेके जा रहा है, बस यही आपको देना है। आप जितना आप एक जो है मिनट देते हो आपको हजारों मिनट मिलते हैं। तो मेहनत करिए और इस संबंध संघ को समझिए। इसके अंदर मुझे पता है कि अगर हम पर्टिकुलरली जैसे कोई विचारधारा की बात करते हैं बाबा साहब की या बुद्ध बुद्ध जी की, तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, पर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिकल बातें करें। तो प्रैक्टिकल बात आज के दौर की ये है कि हमारे पास संसाधन है बहुत छोटा, जूम मीटिंग, इसके अंदर जुड़िए और देखिए आप लोगों से संपर्क बढ़ाएंगे, लोगों से कनेक्ट होंगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। इसमें जो है ना नॉलेज की जरूरत है, ना पढ़ाई की जरूरत है, ना कोई जो है आपको ये कहता है कि आपने पांचवी कर रखी है, दसवीं कर रखी है, या बीए कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, या डॉक्टरी कर रखी है, सब बराबर है। मैं हर एक उस भाई के बराबर हूँ, हर एक उस बहन के बराबर हूँ, और मेरे दिल से जो है एक एक ही विचार है, हम सब जुड़े, और यही विचार हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सबके बीच में है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि समय हमारे पास बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। छोटा सा काम है पर बहुत ज्यादा काम है। वो छोटा सा काम अपने परिवार को इकट्ठा करें, अपने जो है मोहल्ले को इकट्ठा करें, जो इकट्ठा हो उसकी जय हो, और जो नहीं होना चाहता उसकी भी जय हो। हमने प्रयास सतत और लगातार करते रहना है, अपने परिवार से शुरू होके, जो जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है अपने परिवार के अंदर, अपने बहन भाई दोस्त उन सभी को जो है ये विचार पहुंचाना है कि इकट्ठे हो और जितने लोग अपना समय दे सकते हैं। देखिए सब लोग काम छोड़ के सिर्फ यहाँ तो बैठेंगे नहीं, समझ में आती है, पर जैसे मैं एक आदमी जुड़ रहा हूँ मेरे परिवार के 10 लोग जुड़े हुए हैं। मैं लगातार इस एक भाव को प्रचारित करता हूँ और इसको कहता हूँ कि भाई जुड़ते रहो। जब भी आपके पास समय हो, चाहे आपके पास 15 मिनट का समय हो, चाहे आपके पास आधे घंटे का समय हो, आप इस जूम मीटिंग में आए, कोई खर्चा नहीं है। मीटिंग में आए, अपने विचार रखें, अपनी बात करें, और अगर आपको किसी समस्या और जो है किसी बड़े चीज का समाधान सोचना है कि भाई मुझे ये काम करना है, तो स्पोक बने, स्पोक की मीटिंग में जो आए, अपना प्रोजेक्ट शुरू करें और इस समुदाय में से लोगों को आगे बढ़ाएं, अपने जो है कार्य कार्य बढ़ाएं। तो यहाँ पे हर हर चीज का समाधान है, और यहाँ पे हम लोग जैसे अब ये मीटिंग हो रही है तो इसमें हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते। हमारा फोकस रहता है कि हम लोग जो है लोगों को जोड़े। अगर हम लोगों को जोड़ रहे हैं तो उसी से हम आगे जो है हर समस्या का समाधान ढूंढ पा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों जितना जो है आप समय लगा सकते हैं, जितना आप सुबह दोपहर शाम जब भी सोते जागते उठते अगर
आप ये एक विचार सबके अंदर बांट सकते हैं कि जो है जुड़ो जुड़ो, चाहे वो अपना बेटा हो, चाहे वो अपना जो है भाई हो, चाहे अपने पिताजी हो, सिर्फ अगर उनको ये बोल सकते हैं कि भाई साथ रहो, इकट्ठे होके रहो, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि हम लोग किसी भी प्रकार से अपना या किसी का नुकसान करेंगे, अपना फायदा ही करेंगे। अपने परिवार में इकट्ठा होगा, अपने मोहल्ले में इकट्ठा होगा, अपने गांव में इकट्ठा होगा, अपने देश में इकट्ठा होगा, अपनी जो है सारी दुनिया में इकट्ठा होगा। तो क्या क्या नहीं है हमारे पास, क्या क्या चीज नहीं मिलेगी? तो इसी विचार के साथ और इसी प्रार्थना के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूं कि भाइयों और बहनों, प्लीज प्लीज जुड़ो, इकट्ठे हो, ठीक है? और इसी के साथ जय भीम, जय संविधान। मेरी तरफ से अजय जलवान, न्यूयॉर्क अमेरिका यूएसए से आप सबसे विनती करता है कि जुड़ें और लोगों को जोड़ें। यहाँ पे आप आए, स्पोक बने, जो आपको समस्या लगती है, जो आपको लगता है कि आप इस देश में, दुनिया में, समाज में जो खराब है, यहाँ पे आए, स्पोक बने, लोगों को इकट्ठा करें, समाधान करें। देखो, हम हमेशा ये सोचते हैं कि कोई और आपके करके देगा, कोई और आपकी जो है समस्या का समाधान करेगा। नहीं, हर समस्या का समाधान अपने खुद से है। और यहाँ ये मंच आपको वो चीज देता है, वो संसाधन देता है कि आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, बस इकट्ठा होना है और मेहनत करनी है, हर समस्या का समाधान मिलेगा। इसी विचार के साथ जय भीम नमो बुद्धाय, सभी साथियों से जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।
शरणं गच्छामि।